What does the word avatar mean to you? It's the incarnation of a divine being in the flesh. Avatar 2, The Way of Water, was released this past weekend, 13 years after the original came out. And Avatar, you know, they've made 2 more films, so there's a lot more even running on this one. Forget the rest of Disney. Wow. They've invested a lot of money in this, and if this doesn't hit a certain metric... जहां ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज को आज के समय में 100 करोड़ इवन 50 करोड़ कमाने में भी हफ्ते लग जाता है, वहीं एक हॉलीवुड की मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अवतार द वे ऑफ वाटर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस फिल्म से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जो कि शायद ही आपको पता है, और इस फिल्म की क्या कनेक्शन है इंडिया एंड हिंदुइज्म से वो भी बताऊंगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी तथ्य बताऊंगा उन सारे तथ्यों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फैक्ट नंबर 1, अवतार 2 को बनकर तैयार होने में लगभग 13 साल लगा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 13 साल से इस फिल्म का शूटिंग ही हो रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म की प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग, डिजाइनिंग स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ अवतार पार्ट 1। देन इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 2017 में, एंड उसके बाद 2020 में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई, एंड बाय द एंड ऑफ 2020 इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुका था। एंड इसके बाद 2 साल इस फिल्म को लगा इस फिल्म की VFX, CGI एंड बाकी जितने भी पोस्ट प्रोडक्शन के काम होते हैं वो कंप्लीट होने में। और यहाँ बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो 1 महीने में ही फिल्म निपटा देते हैं, और साल में लगभग 5-6 फिल्म। एंड राइट नाउ आप सोच रहे होंगे कि अगर ये फिल्म 13 साल लगा है बनकर तैयार होने में तो इस फिल्म का खर्चा कितना आया होगा। वेल, इस फिल्म की बजट सुनकर हो सकता है कि आपके किडनी में भी हार्ट अटैक आ जाए। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है, पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अब ये किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली। इस पूरी फिल्म को बनाने के चक्कर में हमारे जेम्स चचा ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को लगभग 250 से 400 मिलियन US डॉलर का चूना लगा चुके हैं। यानी इंडियन करेंसी में दोस्तों ये होता है 2000 से लगभग 3000 करोड़ रूपए। नाउ यू माइट बी थिंकिंग यार ऐसा कौन सा पागल आदमी है जो एक फिल्म के चक्कर में अपने जिंदगी का 13 साल और इतने सारे पैसे लगाएगा। एक्चुअली में पागल जेम्स चचा नहीं बल्कि हम ऑडियंस लोग हैं, क्योंकि अवतार 1 ने वर्ल्ड वाइड $2.9 बिलियन US डॉलर कमाया था, वो भी 2009 में, आज से 13 साल पहले। लेकिन एक मिनट, 2.9 बिलियन डॉलर हमारी इंडियन करेंसी में कितना होता है। एंड इसके साथ साथ ये मूवी आज तक का हॉलीवुड की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है। ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं इस फिल्म को रिलीज हुए, लेकिन आज तक किसी मूवी ने उसके बाद से इस फिल्म के रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाए। हाँ, कुछ साल पहले एवेंजर्स एंड गेम ने ऑलमोस्ट इस फिल्म को पकड़ ही लिया था, लेकिन इस फिल्म की कलेक्शन को बीट नहीं कर पाया। इस फिल्म की वजह से जेम्स कैमरन को जो पैसा मिला है वो अगर आप सुनोगे ना तो आपके होश दोबारा से उठ जाए। लगभग 2800 करोड़ रूपए। जहां अवतार 2 को बनकर तैयार होने में लगभग 2000 से 3000 करोड़ रुपए लगा है, वहीं इस फिल्म की फर्दर खर्चे बचाने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स चचा ने एक बढ़िया सा दिमाग लगाया। क्या आपको पता है जेम्स कैमरन ने, यानी इस फिल्म के डायरेक्टर हमारी जेम्स चचा ने अवतार 2, अवतार 3 एंड इवन अवतार 4 की भी कुछ पार्ट की शूटिंग एक ही साथ निपटा दी। एक्चुअली ये बात खुद एक्सेप्ट किया है जेम्स कैमरन ने एक इंटरव्यू के दौरान। So the only way for us to do that was to write all the scripts and let the actors read all the scripts and see where their characters were going and what it all meant. I think it's something that the actors could work into their preparation for their characters, so they knew, okay, we're going to come in and film this in bite-sized chunks. We're going to be shooting parts of 2, parts of 3, parts of 4 on any given day. हमारे जेम्स अंकल ने तो ये तक कह दिया कि भाई मेरे पास अब तक 3 की रफ कट पड़ी हुई है और 4 की तो कुछ पार्ट शूट भी हो चुका है। कुछ भी बोलो यार, ये जेम्स चचा के ना दिमाग एक अलग ही लेवल पे चलता है। हमारे जेम्स चचा जब किसी भी फिल्म की अनाउंसमेंट करते हैं तो पूरी दुनिया की फिल्म मेकर्स उनकी तरफ कुछ ऐसे देखते हैं, क्योंकि वो जब कभी भी नया फिल्म बनाते हैं तो कोई ना कोई नया टेक्नोलॉजी जरूर आविष्कार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अवतार 1 में उन्होंने एक ऐसा मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसकी मदद से आपकी जो रियल एक्टर्स हैं उनकी कैरेक्टर्स की एनिमेशन रियल टाइम में देख सकते थे। Because of the nature of this film, with this alien clan, this alien culture, we had a choice. We could do it with makeup, like it's always been done, rubber appliance makeup. It wouldn't look terrible. And I wasn't interested in that. You know, if I was going to do this, I wanted to do it this way, which is with performance capture. तो पहले क्या होता था? पहले कोई भी फिल्म की शूटिंग होता था ना, तो उसके ऊपर जो भी CGI या जो भी मॉडलिंग वगैरह का काम है, वो बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में होता था। एंड आपने शायद कई बार YouTube में कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ये वाला एक हेडरिग पहन के ना एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, कोई भी कैरेक्टर हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि हल्क का कैरेक्टर है, तो हल्क का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो पहले मैनुअली एनिमेशन आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता था। लेकिन हमारी जेम्स चचा ने अवतार 1 के लिए एक ऐसा हेडरिग बनाया जिसके मदद से यहाँ पर एक कैमरा फिट रहता था जो हर वक्त उनके एक्टर्स की फेशियल एक्सप्रेशन को ट्रैक करता था एंड रियल टाइम में वो डेटा कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करता था। तो इससे क्या होता था, उनके जो भी एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, उनके मुंह में भी सेम एक्सप्रेशन होता था जैसे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस की है। We came up with the head rig. We call it the head rig. It's basically just a kind of helmet, very tight, conformal kind of skull cap that's based on a life cast of the actor's head and a laser scan. So it fits very tightly and smoothly and comfortably. And that camera shoots the face in a nulled out close up. So even though the actor's moving all around, running, jumping, yelling, screaming, jumping off stuff, jumping over logs, you know, running flat out, whatever, we're getting that facial performance. और अवतार 2 के लिए तो जेम्स कैमरन ने एक नया कैमरा का ही आविष्कार कर दिया। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली इन्होंने लिटरली सोनी के साथ हाथ मिलाकर एक नया कैमरा डेवलप किया ताकि जो 3D वाला शूटिंग है वो और भी डिटेल में हो सके एंड लोगों को जो एक्सपीरियंस है सिनेमा घरों में वो सबसे ज्यादा बढ़िया मिले। We experience the world through a stereoscopic system, a visual system. And when you see stereo, it gives you an enhanced sense. It triggers little regions in the brain that make you feel like you're really there. Well, what do we want to do with a movie like Avatar or the sequels? We want to take you to Pandora. We want you to live it, breathe it, feel that for that moment, for that period of time, those hours that you're in the dark theater, that this is a real place and you're going on a real journey, and this helps with that. और ये भाई सब सिर्फ और सिर्फ कैमरा में नहीं रुके, so ये developed another motion capture technology जिसके मदद से underwater जितने भी scenes थे वो और भी बढ़िया तरीके से capture हो पाया। Avatar's connection with India and Hinduism. So वीडियो की ये वाला सेक्शन ना बहुत लोगों को खुश भी करेगा एंड बहुतों को जलाएगा भी एंड बहुतों को ऑफेंड भी करेगा। जहाँ बॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज इंडियन कल्चर और हिंदुइज्म की मजाक उड़ाता है, वही एक फिरंगी ने यहाँ की कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके दुनिया को आज तक की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म दिया। कभी आपने सोचा है कि अवतार मूवी का जो नाम है अवतार, इसकी ओरिजिन क्या है? ये असल में एक संस्कृत शब्द है एंड इट्स मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, अव एंड तार। अव का मीनिंग है नीचे एंड तार का मीनिंग है आना। इस सब का मीनिंग है इनकारनेशन इन ह्यूमन फॉर्म, यानी मानव रूप में अवतरित होना। जैसे भगवान विष्णु इस सृष्टि की पालन करने हेतु अवतरित होते हैं इस पृथ्वी पर। एंड राइट नाउ आप सोच रहे होंगे कि ये ना कुछ भी बके जा रहा है, बट एक्चुअली में ये जो फैक्ट है ये खुद जेम्स कैमरन ने कंफर्म किया है। आई अंडरस्टैंड द सॉर्ट ऑफ द ट्रेडिशनल रूट्स ऑफ द वर्ड व्हिच इज दैट इट्स द डिसेंट और द इनकार्नेशन ऑफ डिवाइन बीइंग इन द फ्लैश। And of course that was the significance in the film, even though the characters are not divine beings of course, but the idea that they take flesh in another body. 2007 में जेम्स कैमरन ने टाइम्स मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था एंड उस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अवतार ये शब्द का मीनिंग क्या है, तो उन्होंने बताया इट्स एन इंकार्नेशन ऑफ वन ऑफ द हिंदू गॉड्स टेकिंग ए फ्लेश फॉर्म, यानी एक हिंदू भगवान की मानव रूप में अवतरित होना। आगे वो कहते हैं इन दिस फिल्म व्हाट दैट मींस इज दैट द ह्यूमन टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर इज केपेबल ऑफ इंजेक्टिंग ए ह्यूमन्स इंटेलिजेंस इनटू ए रिमोटली लोकेटेड बॉडी, ए बायोलॉजिकल बॉडी। एंड 2010 में जब वो इंडिया आए थे न्यू दिल्ली में अपनी फिल्म की प्रमोशन करने, तब उन्होंने कहा था कि वो हिंदुइज्म से बहुत ही ज्यादा प्रभावित एंड एज ए होल ही लाइक्स द कॉन्सेप्ट and the philosophy of Hinduism. Look, I'm not a practicing Hindu. I'm certainly familiar with a lot of the beliefs of the Hindu religion, and I find it quite fascinating. I tried to make a film that would touch people's spirituality across a broad spectrum. There are lots of things about this movie about which I can talk for hours. लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आप एक दूसरा पार्ट चाहते हो जहाँ पर हम डिटेल में इस मूवी के बारे में बात करें तो नीचे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है एंड प्लीज यार जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है एंड लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।